ये जमल फतेह का असली किस्सा है। पहला जो किस्सा है वो मालदेव का आरता है, ये जमल फतेह का है। जिस समय हरिसिंह हाडे ने मालदेव का मोड़ तोड़ दिया और वो अपनी बेइज्जती करवा के वापस जोधपुर में चला जाता है और वह सिसवदनी मेड़ते में आ जाती है, तो जमल ने उसका बड़ा मजाक किया और हाथ जोड़ के खड़ी होगी, महाराज गलती होगी, अब तो ये करना है कि महाराज से ताकतवर पड़ता है, इव यार कोई रहन का धर्म नहीं रह रहा, कहां चलेगी बता, कहां स्थान है रहने के लिए, क्यों बेइज्जती करवाई तने। हाथ जोड़ के ने बोली, महाराज एक ठिकाना है, उड़े तो पूछ ले जब वो राख लेता मने कित भला, तो सिसवदनी जमल को क्या कहती है। ओए बेईमान आदमी धोरे खटका जिंदगी भर लगे, ओए चले ने चटोर सजन यार सारी आना डरी लगे, बेईमान आदमी धोरे खटका जिंदगी भर लगे, खाली होके मैं कमर मलू सर रोड़ूंगी, तू सो जाइए सजन पलंग पे मैं लेके पंखा डोलूंगी, ओड पहर शंगर कहने तेरी जो बन जाल जकोलूंगी, जैतन कोसी होगी ते के पाछ धूल बचोलूंगी, चाचा कहनी ख्याल करूं तो चाचा कहनी ख्याल करूं मेरा धरती कैमा शरी लागे, चल मैं चतोड़ सदन यार सारी हाना जात के ठाकुर छत्रापन की जदो से हटके हटी ले खून में गर्मी सब बातें की हदो से बदमानस बदनामी ले ले बदी करनिया बदियो से सारी हाना जो करे जा बुढ़ी के राख रमाए सदियों से दुनिया कैम फर लागे, चल में चटोड़ सजने सारी
फकीरा का मर्द गैल बवारा उसे सांसरे में बीरा का मरद का मेल रहे वीर मरद का मेल रहे इतने कट्ठा घर लागे चल में जतोर सजनी ये बात सुनी जम्मल ने ये दिमाग में बात आ गई कि जरूर शिशवदनी ठीक कहती है, क्यों नहीं तू फतेह सिंह के पास चिट्ठी डाल दे और सारा बेड़ा कर दे। तो वो चिट्ठी लगता है फतेह सिंह के पास जम्मल और उसमें क्या लिखा, श्री नारायण लिख दी और नीचे लिख दी नेक जवान रबुआ के बेटे संग वाले हो गया होनी कौन जवारी भाई ओ से मम्मा
फीके वाले हो क्या हो और जवार रात के तज कर ढेर कर गया था चाचा ताऊ कुटम कबीले की तज कर मेर डगर गया था फिर अपने मम्मा के भाई में कुंभा नेर डगर गया था संग वाले हो गया होई और त्यौहार आनंद के गावे से गणे दिना ते देखू सु मेरे पाछे भजा आवे से बीस साल ते देख रहा उत सिंगा मटी आवे से अरे कदे न कदे ते मरना होगा पलक पलक वटी जागी मार बुआ के बेटे संग वाले हो गया और चौद त्यौहार
जाकर भीड़ पड़ी में जो मदद करे ना आग लगो अस नहीं आके बुआ गाल भतीजी ओसे मां के जाए भैया के तेरे मम्मा की आदत जाने वो भूता भरा बुराइया के तेरे मम्मा की आदत जाने वो ठाटा भरा अरे बानमती ते वो ब्याह चावे था अरे मैं क्या राम पड़ी न पारी तू आके बेटे संग वाली हो गया होड़ कौन त्यौहार जमल ने फतेह सिंह के पास पत्र डाल दिया। जब फतेह सिंह के पास ये पत्र पहुंचा और पत्र को पढ़ा कि भाई मेरे पास कोई स्थान नहीं रहा रहने के लिए, कह देते तेरे पास आ जा, तो फतेह सिंह वापस जमल के पास पत्र डालता है और पत्र में क्या लिखा, हेरे राम राम यारी लखी नमस्ते जय सीता जय राधेश्याम। ओए जम्मल भाई करिए मतना माल देव किसे प्यारे को नाम राम राम यारी लखी नमस्ते जय सीता जय राधेश्याम। जम्मल भाई करिए मतना माल देव किसे प्यारे तकड़े बनाई दिल्ली में। मने सुना था अकबर दौरे तेरी करे बुराई दिल्ली में। तू कह देते अकबर गेल्या करू लड़ाई दिल्ली में। काया के मां घुस भरवा दू काया के मां घुस भरवा दू बता ते तरवा भाई करिए मतना माल देव की चरे शंका 1,00,000
तस्ता फते शंका अजाने से रजपूत तमाम कमल बाई करिए मतन्या माल देव की जरे घोला हिमाची हो से हिम्मत ते पद हो से तू सुदा ये चतोड़ पहुंच जा फिर काम की शदी हो से फिर हम रजपूत जात के ठाकोरी सब बता की जदी हो से हटके अठी दे खून में गर्मी छत्रापन की जदी हो से देश के ऊपर कट के मर जा देश के ऊपर कट के ओए यूरज पूता का से काम जम्मल भाई करिए मतन्या माल देव किसे काजी करता होते हाथ में लाल फत्ते पे माल देव काजी करता होते बात में लाल फत्ते पे लक्ष्मी चंद का जी करता होते दिन रात में लाल फत्ते पे और किसे का जी करता होते गात में लाले फटे पे ओए दोनों मिलके करे लड़ाई दोनों मिलके ओए साथ रहेगा मांगे राम जम्मल भाई करिए मतन्या
तारूए दोनों बक्ता शिव मंदिर में रोज आरती तारूए दोनों बक्ता गुरु जी के मैं रोज चरण चुचकारू है मेरी अदते लकड़ी के बनिया न तो मैं भी छप्पा मारू है इर शाने मानस अगत की खातरी शाने मानस अगत की खातरी इसे इसे सटे लावे से तुझे जाते तुझे लिए Thank you.
अज मारे बने बिगड़ी गे काम जी मंगे राम नूर में नूर ही एक मायो हर बैठा रानी कर दे में माफ कसूर के भाभी गलती होगी और माफ कर दे कि अच्छा हमने तेरे पास पहले बेरा करा कि हम आवे से नाट जाता तू जब तेरे में श्रद्धा नहीं थी हमें रोकने की तो इनकार कर देता मैं तेरे हाथ का लिखा हुआ पत्र ले बैठी हूं और तने इतना जुल्म कर दिया कि बुलाक और फिर मार दिए वह रानी जोश में आकर फतेह सिंह को क्या करती ओए जेठी मेरे तने नहीं पहचानी आज कर दिया नासी स्मारक चांद की गली बात तेरे मन तन की मन लैली वे पहली ते करी पठा कुण बागणी लाड करे पोची कार के थी से हम कीड़ी हमने होरी से धरती बीड़ी हमने होरी से धरती ओए चीड़ी में छपेगी सूरत नमाणी किसा सो गया पर पसार के कलेस मारी तो एक चली ना देश मारी तो एक चली ना देश नगर गारी जग हो बिरणी तन दर्दी दया शरम तार के गाऊं थी सुबह शाम आज मारे बने ओ बिगड़ गए काम आज मारे बने ओ बिगड़ गए
मंजे राम गुरु की सुनकन बाणी ओरे बिच हर दे में दार के दोनों की वार्तालाप हुई इतने में जम्मल भी उस डोले के पास आ जाता है और भाज के फतेह सिंह ने कौड़ी भर ली। ने बोला भाई गलती होगी भाई जम्मल तू मत कहिए कुछ भी। एरे कौड़ी भर के भाई जम्मल रोया फतेह संग कभी आंसू आगी रेरे के लगी सया जम्मल याद चोट मेरे भी लगी कौड़ी कल्प मिट्टी आगी एक नहीं दो कठी आगी अरे इसी कसूती चट्ठी आगी इसी कसूती चट्ठी आगी और तो कुण ब्या का फूटा ठागी तेरे के लगी सजमल याद चोट मेरे भी लगी मेरे हृदय में दुखेगी मने तया जिंदगी भर फूकेगी अरे ससबदनी मन के थूकेगी ससबदनी मन के थूकेगी ओ सब चतोरी गले में जाएगी तेरे के तेरे चाचा ने करवा दिया पाप का ठाडा घड़ा बरवा दिया अरे हरि सिंह हाडा मरवा दिया हरि सिंह हाडा मरवा दिया इस दुनिया में बदनामी छागी तेरे के लगी सजमल याद चोट मेरे भी गया पहुंच ससाने खोजी बन कन पैड़ी पहचाने अरे सांझ की खोई मत ना जाने सांझ की खोई मत ना जाने जो बटन लकड़ पे गोर पाई तेरे के लगी सजमल याद चोट मेरे भी भाई कोई बात नहीं गलती होगी और ईब तक तुम चालो चित्तौड़। वहां से गलती मान के फतेह सिंह और डोले को फिर चालू करवा देता है। जब चित्तौड़ किले में जा लिए डोले तो फतेह सिंह भाग कर गया सब रानियों के पास और हिदायत देता है कि देख
शश्वतनी आगी जम्मल की बहू, उन्हें तार के ले आओ जल्दी। रमेड ते जोड़े आगे ओए मेड ते जोड़े आगे तार कर जाओ हड्डी रानी जो मुल की कुछ कार कर जाओ मेड ते जोड़े आगे की खातर बेल बोई से
मुश्किल टोई से, मुश्किल टोई से पूरे जीड़ी में घनी रोई से, सर सार के दाओ हाथी रानी जम्मल की पचकार के लाओ। तो जमल और फतेह सिंह महज चित्तौड़ में रहना शुरू कर देते हैं। उधर अकबर के तुगली करी मालदेव ने, हे महाराज दोनों बहादुर इकट्ठे हो गए और इतना तो जीना मुश्किल कर देंगे, ऐसा बहाना कोई करो कि उनको यहां बुला लो। तो अकबर ने मालदेव के कहने से एक दावत की चिट्ठी चित्तौड़ में भेज दी और फतेह सिंह को और जमल को प्रार्थना करता है अकबर चिट्ठी के द्वारा कि भाई मैं तुम्हें दावत देना चाहता हूं बहुत प्रेम से और मेरे दरबार में आने की कृपा करें। तो वह चिट्ठी आई और चिट्ठी जमल ने पढ़ी तो रानी सुष्मदनी पूछती है, महाराज कहां से आई चिट्ठी? के दिल्ली से। क्या लिखा है? कि लिखते बढ़िया बात रखी है पर क्यों करोट गई बात। न्यो बोला रे अकबर कहते चिट्ठी आगी बात कहने की ना, फिर मारे मैं श्रद्धा इसे बोल सैन के अकबर के ते चिट्ठी आगी बात कहने की ना, मारे मैं श्रद्धा इसे चलेंगे अपो अपने तकदीर चलेंगे, हम करके तकदीर चलेंगे अपो अपने तकदीर चलेंगे, जब आ म्या शामी तीर चलेंगे, आ म्या शामी तीर चलेंगे, खैर रहन की ना मारे मैं सरदा इसे बोल सहन की। दंगा
पीरा दंगा और इस पृथ्वी पे जमना गंगा, इस पृथ्वी पे जमना गंगा। उल्टी बहन की ना मारे मैं श्रद्धा इसे बोल मारे बड़े बिगड़ के काम हर के बड़े इर मौका लगे गन मांगे राम, मौका लगे गन मांगे राम। गर्द फेंक की ना मारे मैं श्रद्धा इसे बोल सहन की ना। अकबर के अकबर और फतेह सिंह की लड़ाई जगदीश कैसेट की तरफ से प्रस्तुत है आपके सामने, जिसमें अकबर के दरबार से चित्तौड़ में चिट्ठी आ जाती है फतेह सिंह और जमल के पास, और जमल ने सिसवदनी के सामने पढ़कर सुनाई तो वह इनकार करती है कि महाराज वहां आपका जाना उचित नहीं। क्यों? हम बहादुर हैं, हम राजपूत हैं, हम किसी को न्योत्तर को कैसे इनकार कर दें कि महाराज नहांदो ही छत्रापन ने अच्छा ना है। कि क्यों के नहीं बता दरबार में जाकर क्या करोगे तुम्हें? तो बस इस पता नहीं क्या कहती है। न्यो बोलियो मुगला की शमी बोलेगा कौन ओ पिया बोलेगा कौन? वहे बोलेंगे जुन से बोलते आए मुगला की शमी बोलेगा कौन ओ तेना बे माता के सच्चे लेख बही खाता क्यों नकली छोल कर बता के ओ मुगला किसानी छोलेगा कौन ओ छोलेगा कौन गोरी वही छोलेंगे तुम से छोलते आए ओए दिल्ली में बैठ करे से बुंदी पटरी से रजवाड़िया में डूंडी हो सुन ले दुख दर्द की गुंडी मुगला किसानी खोलेगा कौन ओ खोलेगा कौन वही खोलेंगे जो से खोलते आए छतरी ऊंचे दर्जे में मतना बात समझ हर जे में पाप और पुण्य तुल जा नरते में मुगला की शानी तोलेगा कौन ओ तोलेगा कौन वो है तोलेंगे
ते आए मुगलां की शमी बना के सबका डेरा कूच बना के अड्डी टेडी ओ मूछ बना के मुगुन की शानी डोलेगा कौन डोलेगा कौन वो हे डोलेंगे जो से डोलते आए महाराज आप मत जाओ क्या करोगे वहां दुश्मन के घर जाना मौत को खरीदना है के रानी देखिए यह बात हम बिल्कुल नहीं माने हमारा न्योता है बुलाए हैं और जो आदर के साथ बुला ले वहां जाना चाहिए निवरी जान दो तुम इन बात ने मैं जानू हूं सारी बात के जान है तू मैं तो अर्ज करती हूं तुम्हें क्या ओए मत जाइयो हो सजन मत जाइए दिल्ली के ममती जाइए जाइए हो सजन मत जाइए दिल्ली के ममती जाइए मारे फसा के चल मत पिया उस जमना जी के चल में ओ मत नहीं है ओ सदा में मत नहीं है दिल्ली के मां मत नहीं है नहीं रोजन अंबर में चढ़ूं तो लगे कई रोजन अकबर के घर तू भोजन मत खाइए ओ सजन मत खाइए दिल्ली के मां मत खाइए लूट करा दिल्ली में कट्ठा हो पियर जब पुता के पट्टा मत लाइए हो सदा में मत लाइए दिल्ली के मां मत लाइए बहुत जमाना बीत मंगे राम युगंदा गीत मत गई हो सदन मत गई दिल्ली के मां मत गई
तो जम्मल को वह बार बार समझाती है, लेकिन उसकी बात सुन के और जम्मल भी थोड़ा क्रोध में हो जाता है कि तू तो हाथ हठ बांध लेती, किसी भी बात की हो जद बांध के खड़ी हो जाती है। तुम्हें जानती नहीं राजपूत जबान के पक्के होते हैं। तो जम्मल सस्वदनी को धमकाता है और क्या कहता है, हे रे अटकी अठिली रानी, जानती कुछ बात को न्या, मुगला की शामी झुक जा इसी रजपूता की जाति को न्या, अठे की अठिली रानी जानती कुछ बात को न्या, मुगला की शामी झुक जा रजपूता की जाति को न्या। सुनता मैं शकात कोना, मुगला की शामी झुक जा इसी रजपूता की दाती कोना।
चंद समय ने विचार लक्ष्मी सांग के बारे ओ मंगे राम सांग के बारे सच ती खुबाज पुन्या मुगला की शामी जोखना इसी रजपूता की जाती पुन्या शस्वरनी ने बहुत समझाया लेकिन मानते नहीं कि देख सबने पता चल गया कि दिल्ली से चिट्ठी आई है और दावत की है खाने की है और जब हम नहीं गए तुम्हारी बेइज्जती होगी। ये रजपूतों का काम नहीं कि झुक जाना और किसी के नौते को इनकार कर देना। हम जरूर जाएंगे। निवली के रहन दो, मैं जानू उस दिल्ली के कारनामा ने जो दिल्ली ने कर रखा है। क्या कर रखा है तो शस्वरनी जमल को फिर समझाती है और क्या करती है। फिर सोच समझ के देख लिया बलवान खपा दिए दिल्ली में लाखों करोड़ों अरबों तक इंसान खपा दिए दिल्ली ने। सोच समझ के देख लिया बलवान खपा दिए दिल्ली ने। दिल्ली में सोच समझ के देख लिया बलवान खपा दिए।
सरहान ना लेवा बाबर ओरी हिमायू मर गए हिंदवाने दुख देवा ने बहुत समझाए लेकिन मानते नहीं। जयमल और फतेह सिंह दोनों बहुत से जवानों को साथ लेकर
और दिल्ली में पहुंच जाते हैं। जब दरबार अकबर का लगा हुआ था वहां पर पहुंचे दोनों, और जब रणवास में बढ़ते हैं तो बहुत भारी इज्जत होती है। कैसे भला? जब रणवास में पहुंचे, अकबर के दरबार में पहुंचे, तो कैसा माहौल था? हेरा जमल फते संग बड़े खेले में भाई सब बरनवास खड़ा हो गया। हेरा नाजुर मुंशी दीवान मसौदी दास पे दास खड़ा हो गया। जमल फते संग बड़े कले में सबरण वास खड़ा हो गया। धरती आई किसी या टेसी धरती आई और छुम छुम करती सनन आई, छुम सनन करती आई। कृष्ण रास खड़ा हो गया नाचर मुर्सी दीवान मसौदी दास पदास। काज सारता पर मरते ने घना मारता, पर मरते ने घना मारता। रानी आई करने आरता, रानी आई करने आरता। एरा फते सिंह पास खड़ा हो गया नाचर मुर्सी जवान मसूदी दास पदास। वो याद दिलाता कि भाई उड़ा भी कदे नाश ना हो जाए कि मैं जिसा पाछा हो गया था। कैसे? ए रजल में मेरे मामा ने करवा दिया घड़ा को कर्म कायो भरवा दिया, अरे हरि सिंह हाटा मरवा दिया, हरि सिंह हाटा मरवा। यो चोर नाश खजा हो गया नहीं थी किसे बात में भी कमी। फिर दस तो पाक गई सलामी, दस तो पाक गई सलामी। एरा अमला खास खड़ा हो गया नाचर मुंशी दीवान मसौदी दास पदास खड़ा। तो दरबार में चले जाते हैं
वहां राजपूत थे, नशा कर लेते हैं, फतेह सिंह का नशा हो जाता है और फतेह सिंह जम्मल को कह के भाई तू पूरी महफिल को अटेंड करके और फिर डेरे में आ जाना। अकेला जम्मल रह जाता है और एक चुगलखोर था, वो कहता है महाराज मैं चुगली खाऊंगा। अकबर ने कहा कि भाई एक जम्मल को छोड़कर किसी की खा ले कि महाराज मैं चुगली की तनख्वाह लेता हूं, ये कोई बेन नहीं होगा मेरे ऊपर, कोई बंदस नहीं होगी कि मैं जम्मल को छोड़ दूं। कि अच्छा भाई कहे क्या कहना चाहता है। तो चुगलखोर अकबर के दरबार में अकबर की शामी और जम्मल की शामी जम्मल की चुगली करता है, क्या कहता है। नू भुला रे जम्मल के घरी चीज अनूठी, एक घोड़ा जल दरियाई, ओए सात समुंदर तार तार दे दुनिया करे बड़ाई। जम्मल के कर चीज अनूठी, घोड़ा जल दरियाई, सात समुंदर पार तार दे यार दुनिया कर बड़ाई। कली का पलंग बतावे भौर पड़े जल कैसी, भौर कली का सोला अने बात कहूंगा समझ लिए चल कैसी, आज नहीं से कल कैसी, आज नहीं से कल कैसी, या परसों मिले बुराई। जम्मल के कर चीज अनूठी, घोड़ा चल दरिया चतर चढ़ाई। जम्मल के कर चीज अनूठी, पीलवान और पूरा हाथी, पीलवान और
करे लड़ाई जम्मल पे हर चीज अनूठी खास बात बताऊं जो असली बात है कि हाँ कहो कि जमल को कह देना बुरा नहीं मानना। बोले भाई थारा राज है थारा पास है कुछ कह तू फिर महाराज करे वक्त सदगा हम देख लेंगे कह तू जो कुछ कहना है। तो क्या कहा ओए मांगे राम किस्मतिया आज पड़ के सोएगी आगे का कुछ पता नहीं इब क्यों करके होगी ओ जम्मल के घर ब्याहन जोगी छोरी सुंदल पाई कमल के कर चीज अनूठी घोड़ा जल दरिया आई कहा कि महाराज जम्मल के एक लड़की है जिसका नाम सुंदरबाई है वह आपकी ब्याहन जोगी है। ये कहते ही सब दरबार ने थली बजाई वाह 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 बहुत बढ़िया और भाई जम्मल अब तो आ रहा है तू डोला दे जा। सब दरबार के लोग उस जम्मल का ताना मारते हैं और क्या कहते हैं वे श्याणा मानस सोच लिया करे अपना टेम भलाई का कहते डोला दे दे जमली लड़की सुंदर पाई का शाना मानस सोच लिया करे अपना टेम भलाई का कहते डोला दे जमली सब लोगों ने बढ़ाई की तो अकबर भी ये कहता भाई देख ले जम्मल बात तो बहुत बढ़िया है हमर तू रिश्तेदार हो जाएंगे और दुनिया में आते हैं मेल मिलाने के लिए यहाँ बैर में क्या है मेरा तेरा बहुत बढ़िया प्रेम होगा क्योंकि मैं तेरा रिश्तेदार हो जाऊंगा। क्या कहा ओए सारी दुनिया मान करे वो मानस राजा ओ से सलाम की खतर मियां न रोसावे से मत ना जाओ से हम तुम रिश्तेदार बने यू मेल मुला जाओ से आज ते अगे दिल्ली के मां कक तुम सा जाओ से जस
से छीका टूट पड़े धरती पे, छीका टूट पड़े धरती पे, खुल जा बाग बिलाई का खेत डोला तेरा जीते। फिलहाल सगा मान सिंह ने अपनी बेबे बड़े ठाठ पे रखी, मान सिंह की बेटी मारे बड़े उमंग पे ला रखी, तू भी सुंदर पाई प्याजे क्यों इतनी देर लगा रखी। तेरे आगनू चक्कर करया, तेरे आगनू चक्कर करया, तू मानस से अस नाई का खेत जोड़ा के दे जमली। उठ दे अकबर की दुनिया में कोई छतरी ना, तलवार उठ दे अकबर की दुनिया में कोई राजा ना, चलकार उठ दे अकबर की दुनिया में, ओए जुड़सी कहो वाहे कर दू दलदार उठ दे अकबर की। सात लाख दस्ता अकबर का, सात लाख दस्ता अकबर का, किसमें देख लड़ाई का खेत डोला दे दे जमली। तगड़ी रिश्तेदारी का भीड़ पड़ी मका जाओ, इस तगड़ी रिश्तेदारी का साथ देने का वादा हो, इस तगड़ी रिश्तेदारी का हवा का रुख देख ले मानस, हवा का रुख देख ले मानस, ओस काम चतुराई का कैत डोला तेरा जीते। जब ये बात सुनी जम्मल ने बहुत कड़ा क्रोधित हो जाता है। अकबर ने कहा क्यों भाई जम्मल बात सुनी
निमला भाई सुन ली कि फिर हाना का जवाब। निमला भाई जो सही बात कही तने एक बार आगी से मन मेरे में पर सलाह में लाकर बेरे दूंगा मने एक बार जालन दे डेरे में, मने डेरे में जालन दे और सलाह में लाकर फतेह सिंह के साथ और फिर तरह छोरी ने ब्याह दूंगा। और जमाल बड़ा जल्द भुन के वहां से आता है जहां फतेह सिंह लेटा हुआ था, सोया हुआ था अपने डेरे में। वहां आके और फतेह सिंह के सामने बात बताई रे फतेह सिंह कि हाँ अकबर ने उकन लागे सुंदर बाई का डोला दे दे। ये बात सुनते ही लेख बताता है कि फतेह सिंह इतने जोश से उठा कि पलंग की बाही टूट जाती है और उठते ही चिट्ठी लिखता है उस अकबर को। और क्या लिखा भला चिट्ठी में, न्यो बोला रे अमर जपूत जात के ठाकुरी समझे ना इंसान तन गीत जड़ा के गीत सुने से देखे ना बलवान तने अमर जपूत जात के ठाकुर समझे ना इंसान तने नाचताया वे बज बीन सौपेले की वे सतगुरु ना किसे काम के जो गांठ कतर ले चेले की बेटी देखे जो जीना चावे वा जिंदगी जो देले की बेटी देखे रे कई पीढ़ी तक लूट लूट के कई पीढ़ी तक यो खा लिया हिंदुस्तान तने ई जड़ा के गीत सुने से देखे ना पलवान तने शंगन है बेबे ब्याधी दुनिया में मचेरी कलकार बाण के भाई कुत्ता हो सयो मान संग बने रा सरदार सो कुत्ता का वो कुत्ता जो बाप रहे बेटी के बार सो कुत्ता का ओ ए सारा ओ ए ससुरा ओ ए सारा ओ ए ससुरा यो मिल रहा राजा मान तने की जड़ा के गीत सुने से
सीता जी से कौन ब्यावे श्री राम देना। सुंदर बाई रुक्मण जी से कौन ब्यावे घनश्याम देना। सुंदर बाई जो पति कौन ब्यावे अर्जुन नाम देना। सुंदर बाई अल्लाह बल रहमान रचनिया। अल्लाह बल रहमान खो देगा भगवान तमें के सज के मां बाढ़ रेत में रल जाएंगे। कार्तक मंगसर पोमा पथे त्रिचाद रेत में रह जाएंगे। जब मांगे राम ते टकरावेगा तेरे आठ रेत में रल जाएंगे। बांग देनिया कोई रहना। बांग देनिया कोई रहना वा कुछ दरी कुरान तने ई जड़ा के गीत सुने से देखे ना पलवान तने। तो ये पत्र लिख दिया और उधर से ये पत्र मिलते ही अकबर ने चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई करते वह सुषमा ने के नागी देखा मुकूं थी ना कि तुम मत जाओ। जम्मल ने कह लागे वो वक्त ना है वो बात बतलान का और अकीब तन्यू कर ले। नो बोला उलटे हटे नायत सांस ठकान रे उलटे हटे नायत सांस ठकान रे एरे बात सुन मेरे ससुर की जाई कौन या तेरी समझ में आई। कौन या तेरी समझ में आई अकबर गेला करेंगे लड़ाई देखा उठा दे घूंघट में तान रे उलटे हटे नाइत में सांस ठकान रे। चलेंगे आगे अपने तकदीर चलेंगे इब आम्या शानी तीर चलेंगे साचे पता दे किस्मत कौन पहचान रे उलटे हटे नाइत में सांस ठकान रे। मेरे तलवे चटे थी मने यारे यावन ते नटे थी इरे मने दिल्ली चावन ते
नाट थी दिल्ली जामण ते नाट थी कुण बाख पालिया घरा ल्याक है बेलान रे ओलटे अटे नहीं तमे शासी चंद दर भी गया थे सुन के पेटा भर भी गया थे और न्यू बोला कि मान लिया लड़ाई शुरू होगी और लड़ाई में ये पता नहीं कौन मारा जाता कौन जिंदा रह जा। एक बात करिए, एक तो धर्म के ऊपर अड़ग रहना और इतने जान रहे इतने लड़ती रहिए अर्ज जान बचवीजा अर्थ न्यू करिए फिर के यारे लड़ते लड़ते मर भी गया था लड़ते लड़ते मर